नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग चार। भाग एक से लेकर तीन तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 9500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़ है, जिसका भाग चार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फॉर्मेट पेंटर कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि फॉर्मेट पेंट की कमांड की शॉर्टकट की है। फॉर्मेट पेंटर कमांड को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वह कौन सी कमांड है जिसके द्वारा नई लाइन टेबल में जोड़ी जा सकती है। एमएस वर्ड में एक नई लाइन जोड़ने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट लाइन का, इंसर्ट रो का, एंड लाइन का या एंड एरो का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंसर्ट रो का। एक नई लाइन टेबल में जोड़ने के लिए हम इंसर्ट रो का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी का सही आंसर है। फैक्स, इनवाइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए निम्न में से क्या एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डाटाबेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। हेडर, फुटर, एंड नोट या फुट नोट। तो जो पेज के नीचे किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण जो होता है वो कहलाता है फुट नोट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी को प्रेस करते हैं। डिलीट, बैक स्पेस, एंटर या बैक स्पेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैक स्पेस। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं। फुल स्क्रीन, जूम, हाइड या शो। वह कौन सा ऑप्शन होता है जिसको क्लिक करने पर टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार, स्क्रीन से हट जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है फुल स्क्रीन। जब हम फुल स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो हमें स्क्रीन पर टूल बॉक्स, स्क्रॉल बॉक्स और टाइटल बॉक्स नज़र नहीं आते। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल, ऑटो शेप, चार्ट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रॉम फाइल से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स व टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग, आकार, स्टाइल व फॉन्ट होते हैं। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखने के लिए सामान्य एप्लीकेशन कौन सा उपयोग में लाया जाता है। न्यूज़ रीडिंग, न्यूज़लेटर, न्यूज़ या न्यूज़ एडिटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूज़लेटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टूलबॉक्स कमांड की सहायता से क्या किया जा सकता है। विभिन्न टूल बार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ किया जा सकता है। नई टूल बार बना हुआ हटा सकते हैं। टूल बार का नाम बदल सकते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। टूल बार कमांड की सहायता से उपरोक्त सभी कार्य हम कर सकते हैं। रूलर कमांड का क्या कार्य होता है। एमएस वर्ड में रूलर कमांड का क्या कार्य है। रूलर बार को दिखाना व छुपाना, रूलर बार का नाम बदलना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है रूलर बार को दिखाना या छुपाना। रूलर बार पर क्लिक करते हैं तो रूलर बार दिखने लग जाती है, और अगर हमें हाइड करना है तो उसका एरो हटा देते हैं, टिक हम हटा देते हैं।
तो वो हाइड हो जाती हैं। सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस जे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस जे या शिफ्ट प्लस आई? तो इसका जो आंसर है वो है कंट्रोल प्लस आर, जो कि राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की होती है किसी सेलेक्टेड लाइन को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक एमएस वर्ड की फाइल जो होती है उसमें निम्न में से क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, टेबल हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। एक एमएस वर्ड की फाइल में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं और टेबल भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? चेंज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसी डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तीन बार क्लिक करके, दो बार क्लिक करके, चार बार क्लिक करके या स्क्रॉल बटन द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीन बार क्लिक करके। एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस को तीन बार क्लिक करते हैं। सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? शिफ्ट प्लस आर, शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस जे? तो हमें याद है कि जब भी हम शिफ्ट के साथ किसी वर्ड को दबाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होता है, जबकि कंट्रोल के साथ हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस जे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर निम्न में से क्या स्वतः प्रदर्शित होता है? टास्क बार, मिनी बार, मिनी टूल बार या मेन्यू बार? तो इसका जो आंसर है वो है मिनी टूल बार, जो कि स्वतः प्रदर्शित होता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर एमएस वर्ड 2007 में। निम्न में से वह कौन सी कमांड है जिसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट कमांड के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पहले से परिभाषित टेक्स्ट को डाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑटो टेक्स्ट। निम्न में से किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? ड्राफ्ट, वेब लेआउट, आउटलाइन या प्रिंट लेआउट? तो व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित जिसमें होते हैं वो होता है प्रिंट लेआउट, वह प्रिंट लेआउट व्यू कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F3 या Alt प्लस C? तो इसका जो आंसर है वो है Alt प्लस F4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि एक वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की होती है। निम्न में से किसकी सहायता से आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक या लिंकेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपरलिंक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट की कौन सी है? आल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ई, आल्ट प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस आई, जिसकी सहायता से सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है? इंडेक्स्ड, टेबल, क्लिपबोर्ड या टेबल ऑफ कंटेंट? तो इसका जो सही आंसर है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू,
कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस यू। तो सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।